नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है सपा डेलीगेशन। कन्नौज के 28 में से 17 सदस्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। सपा ने जिलाधिकारी और एसपी पर आरोप लगाए हैं। डीएम और एसपी पर वोट न डालने देने का आरोप लगाया है। राज्य निर्वाचन आयोग से सपा डेलीगेशन ने गुहार लगाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है सपा डेलीगेशन। 17 सदस्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी और एसपी पर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल डीएम और एसपी पर वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया है सपा डेलीगेशन ने, और इस मामले को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से सपा डेलीगेशन ने गुहार लगाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज के 28 में से 17 सदस्य पहुंचे। पहला प्रकरण जो है कन्नौज जिले का है। यहाँ टोटल मेंबर 28 है, 17 मेंबर जो बहुमत होता है और बहुमत से ज़्यादा हैं वो यहाँ फिजिकली मौजूद हैं। वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ का एसएसपी, वहाँ के उनके माथा जो हैं वो लगातार पहले तो इन पर मुकदमे लिख रहे थे, इनके घर नपवा रहे थे, अब खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपको वोट डालने नहीं देंगे। तो अभी आपने सुना कई तरह के आरोप दरअसल यहां पर लगाए गए हैं। इसको देखते हुए सपा डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। कन्नौज के 28 में से 17 ऐसे सदस्य हैं जो निर्वाचन आयोग पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी और एसपी पर कई आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी और एसपी पर वोट न डालने देने का आरोप लगाया है सपा डेलीगेशन ने, और इस मामले को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से गुहार भी लगाई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार। ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता हुआ अब इस मामले की अगर बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है सपा डेलीगेशन। कन्नौज के 28 में से 17 ऐसे सदस्य हैं जो निर्वाचन आयोग पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी और एसपी पर आरोप लगाए हैं। वोट ना डालने देने का आरोप सपा डेलीगेशन की तरफ से लगाया गया है। ये लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 17 ऐसे सदस्य हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे और वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी और एसपी पर आरोप लगाए हैं वोट न डालने देने के। यह इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, सपा डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है, जिलाधिकारी पर कई आरोप हैं, साथ ही एसपी पर भी कई आरोप लगाए हैं, क्या जानकारी आपको मिली है? हाँ देखिए, खास तौर से कल डी डे है, पंचायत अध्यक्षों का वोटिंग होना है, 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही है कि सत्ता दल अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता के हनक का प्रयोग कर रहा है, चुनाव में प्रत्याशियों को एक तरीके से अपने पक्ष में करने को लेकर के। पिछली बार भी जब निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग से सपा डेलीगेशन मिला था तो इस तरीके का आरोप लगाया था। आज उदयवीर सिंह हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, वो कन्नौज के तकरीबन 17 सदस्यों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। मैनपुरी का हवाला दिया कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई FIR आप फिलहाल नहीं दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं कर सकते, वोट दिलाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पे हिदायत दी थी, इन बातों को लेकर के उदयवीर सिंह और समाजवादी पार्टी राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंची थी और शिकायत करने का काम किया और इस बात के एश्योरेंस लेने का काम किया कि कल जब वोटिंग की प्रोसीजर्स शुरू होंगे तो सारे जो वोटर्स हैं यानी जो सदस्य हैं उन सभी लोगों को जो पोलिंग बूथ है वहां तक पहुंचने दिया जाए, वहां वोट करने दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग करे, DMSP को यह आदेश दे कि उन लोगों का वोटिंग वोट जो है वो सुनिश्चित किया जाए कि वो वोट डाल सके। 53 यानी टोटल 53 जगह पे कल वोटिंग होनी है, क्योंकि आपको पता है कि 21 भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। एक समाजवादी पार्टी जो इटावा से सीट थी अभिषेक यादव की, वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, बाकी सीटों पे कल पोलिंग होना है, कल वोट डाला जाना है और 3 बजे से उसकी काउंटिंग शुरू होगी। लिहाजा सभी पार्टियों ने कमर कस रखा है,
रहा है कल के चुनाव को लेकर। हालांकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही है मुख्य लड़ाई में, क्योंकि अगर बीएसपी की बात करें तो उसने प्रत्याशी देने का काम नहीं किया था, क्योंकि बीएसपी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि जो उपचुनाव होते हैं या जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके दबाव में ये सारे चुनाव होते हैं और प्रत्याशी उसी के जीतते हैं, लिहाजा वो चुनाव मैदान में नहीं उतरने का काम करती है। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी जरूर खड़ा किया लेकिन कहीं से वो लड़ाई में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।